हेलो फ्रेंड्स, पिंडवाड़ा यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हर एक सिम के ऊपर फ्री में इंटरनेट यूज कर सकते हैं। एयरटेल और आइडिया को तो मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा वीडियो के अंदर, उन दोनों सिम के ऊपर फ्री में इंटरनेट यूज करके दिखाऊंगा, और बाकी के जो सिम है उनकी मैं सेटिंग्स आपको बता दूंगा। आप वो सेटिंग्स को यूज करके फ्री में इंटरनेट यूज कर पाओगे किसी भी सिम के ऊपर। और साथ ही फ्रेंड्स, आज मैं आप में से किसी एक का यूट्यूब चैनल प्रमोट करने वाला हूं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। आपने सिंपल करना है ऐसे वीडियो के नीचे आपके चैनल का नाम और उसका लिंक कमेंट करके मुझे बता देना है। आप सभी के यूट्यूब चैनल में से किसी एक का यूट्यूब चैनल का लिंक मैं हमारे ग्रुप के अंदर शेयर करने वाला हूँ। छोटा सा टास्क रखने वाला हूँ उसके सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। और बाकी के फ्रेंड्स को मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, आपने सिंपल टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना है, उसके अंदर आपका अकाउंट बनाना है, और जो लिंक है हमारे ग्रुप का वो आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। धीरे धीरे मैं आप सभी के यूट्यूब चैनल्स को इस ग्रुप के अंदर प्रमोट करने वाला हूँ, उनके लिंक यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जो साथ में बेल आइकॉन है फ्रेंड्स उसको दबा के नोटिफिकेशंस को भी इनेबल कर लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक VPN इंस्टॉल करना आपके फ़ोन के अंदर, यूनिवर्सल VPN। इस VPN का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आपने सिंपल उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, VPN डाउनलोड हो जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इस VPN को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एयरटेल के सिम के ऊपर इंटरनेट यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे पास एयरटेल और आइडिया के दोनों सिम हैं, बारी बारी मैं दोनों सिम के अंदर आपको इंटरनेट फ्री में यूज़ करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पे पहले मैं आपको सेटिंग के अंदर दिखा दूँ, यहाँ आप देख सकते हैं नीचे इंटरनेट के आगे एयरटेल का सिम सिलेक्ट है, यानी कि अभी पहले आपको एयरटेल के अंदर फ्री इंटरनेट यूज़ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे प्रूफ के लिए पहले मैं आपको कोई वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ, इसी को रीलोड करते हैं। आपने आपका बैलेंस जीरो रखना है और कोई भी इंटरनेट पैक नहीं होना चाहिए आपके किसी भी सिम के अंदर। तो यहाँ पे अगर पैक हुआ या फिर बैलेंस हुआ तो यहाँ पे ये वेब पेज ओपन हो जाएगा, रीलोड हो जाएगा, वरना यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रूफ दिखाने के लिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन प्रूफ दिखाना पड़ता है, नहीं तो आप सभी के कमेंट आने लगते हैं फेक है ये है। कई बार किसी और कारण आपके पास ट्रिक काम नहीं करता, किसी किसी फ़ोन को, क्योंकि कुछ फ़ोन छोटे होते हैं उनको VPN सपोर्ट नहीं करता, या फिर कोई और कारण होता है एरिया के अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम या कोई और इशू होता है जिस कारण हमारा VPN कनेक्ट नहीं हो पाता, और आपको लगता है कि मैंने ट्रिक फेक पोस्ट कर दिया। वहाँ पे आप दूसरे लोगों के भी कमेंट रीड किया करो वीडियो के नीचे कि हाँ उनके पास ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहाँ पे एरर आ चुका आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इस VPN को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इस VPN को ओपन करना है, मोबाइल डाटा आपने ऑन रखना है आपके फ़ोन का। तो यहाँ पे सेटिंग वाला पेज ओपन होगा सेम जैसे कि पहले की वीडियोस के अंदर होता है, ये सेटिंग तो आप सभी को करनी आ गई होगी अब तक। तो यहाँ पे ये पेज ओपन होगा, इसके अंदर आपने रिमूव पोर्ट के आगे टिक करना है एयरटेल के अंदर। बाकी के सिम के लिए भी मैं आपको बताऊँगा, पहले मैं एयरटेल का बता रहा हूँ। प्रोक्सी टाइप आपने रियल होस्ट सेलेक्ट रखना है यहाँ पे, और प्रोक्सी सर्वर कोई भी एयरटेल का फ्री सर्वर आप यूज़ कर सकते हैं, 1.airtel.in, 1.airtel.net, airtellive.com या फिर 56789.airtel.in। तो यहाँ पे प्रोक्सी सर्वर के अंदर फिल करना है, बाकी की सेटिंग सेम रखनी है आपने। तो बाकी के सिम के अंदर भी होगा क्या, रिमूव पोर्ट के जो आगे टिक रखना है, प्रोक्सी टाइप रियल होस्ट ही रहने देना है, बस हमने प्रोक्सी सर्वर चेंज करने हैं बाकी सिम के अंदर। जो ये प्रोक्सी सर्वर है ये जो मैंने फिल किया है यहाँ पे, ये अलग अलग हमने ट्राई करने हैं, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैं एयरटेल का दिखा दूँ आपको, तो यहाँ पे ये करना है, ये सारी सेटिंग करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है। ट्यूनल वाइल्ड डिवाइस का ऑप्शन आएगा आपके पास, आपने उसके ऊपर टैप कर देना है, ट्यूनल वाइल्ड डिवाइस के ऊपर, उसके बाद ओके आएगा, ओके कर देना है, यहाँ पे कनेक्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे जब तक नहीं लिखा आता रनिंग इन वाइल्ड डिवाइस मोड,
तब तक यहाँ पे नीचे डाटा भी चलने लग जाएगा आपका। आप देख सकते हैं नीचे डाटा चलने लग गया है, तो समझ लेना आपका वीपीएन कनेक्ट हो चुका है। आप आपके यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप डाउनलोडिंग वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट ओपन हो चुका है। तो ये था एयरटेल के अंदर कि एयरटेल के अंदर फ्री में इंटरनेट कैसे यूज़ करना है। आगे मैं अभी आपको आइडिया के अंदर बताऊंगा, बाकी के सिम के लिए मैं आपको सेटिंग बता दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि आइडिया के अंदर फ्री इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस वीपीएन को डिस्कनेक्ट कर देना है। तो इसके ऊपर जो आइकॉन बना है इसके ऊपर क्लिक करके, यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो चुका है आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर टैप करके, डाटा रिसीव अभी नहीं हो रहा, तो डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने सेटिंग के अंदर जाना है। यहाँ पे अभी हम पहले हमारा जो इंटरनेट वाला सिम है इसको आइडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आइडिया कर लिया है। अभी आपने करना क्या, फिर से इस वीपीएन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे पहले इसको सेटिंग वाला पेज ओपन करना है, इसलिए यहाँ पे इसको बंद कर देना। दोबारा से यहाँ पे सेटिंग वाले पेज के अंदर आना है। इसके अंदर आइडिया के अंदर फ्री इंटरनेट यूज करने के लिए रिमोट पोर्ट के आगे टिक करना है, प्रोक्सी टाइप रियल होस्ट और जो प्रोक्सी सर्वर है ये फिल करना है आपने 111.93.115.205। तो ये वीडियो के अंदर ध्यान से देख लो, ये सभी जो फ्री सर्वर है सभी कंपनी के, ये मैं वीडियो के नीचे भी दे दूंगा, वहां से भी कॉपी कर लेना। अगर वीडियो के बीच में से आपको समझ नहीं आता वीडियो क्वालिटी के कारण, तो ये सभी जो प्रॉक्सी सर्वर्स हैं सभी कंपनीज के, वो आपको इसी वीडियो के नीचे भी मैं बता दूंगा कि कौन सी कंपनी के अंदर कौन सा प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करना है। तो यहाँ पे आइडिया के लिए ये यूज़ करना है आपने, देख लो, उसके बाद ओके करना है। तो यहाँ पे ये भी अभी रनिंग ट्यूनल वाइड एवस मोड के अंदर हो चुका है। कोई और वेबसाइट है यहाँ पे, अभी पिंड वाला ओपन करते हैं यहाँ पे। इस वीपीएन के थ्रू फ्रेंड्स आप जो फेसबुक, यूट्यूब सभी चीजें यूज कर सकते हैं। 400-400 MB यूज करने के बाद एक बार वीपीएन को डिस्कनेक्ट कर देना, दोबारा से कनेक्ट करना है। लगातार यूज मत कर लेना, कोई बड़ी चीजें डाउनलोड मत करना। तो ऐसे आप आइडिया के अंदर फ्री में इंटरनेट यूज कर सकते हैं, प्रूफ आप देख सकते हैं। फिर से आपने इसको डिस्कनेक्ट करना है। अभी दूसरी जो कंपनी है उनके लिए मैं आपको बता दूं, अभी आपने करना क्या है मैं आपको बारी बारी से बताता हूं। वोडाफोन के लिए आपने यहां पे सेटिंग सेम रखनी है। वोडाफोन के लिए प्रोक्सी सर्वर आपने यूज करना है यहां पे live.vodafone.in, ये प्रोक्सी सर्वर आपने वोडाफोन के लिए यूज करना है और ओके कर देना। नीचे कनेक्ट हो जाएगा, फ्री इंटरनेट यूज कर सकते हैं वोडाफोन के अंदर live.vodafone.in, ये देख लो वीडियो के अंदर। उसके बाद अभी आपने जो एयरसेल का, हाँ एयरसेल के अंदर आपने en.m.wikipedia, ये आपने एयरसेल के अंदर यूज करना है। ध्यान से देख लो वीडियो के अंदर, नीचे एयरसेल के सिम के अंदर ये प्रोक्सी सर्वर यूज करके नीचे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, तो कनेक्ट हो जाएगा, फ्री इंटरनेट यूज कर लेना। कभी कभार थोड़ा टाइम लग जाता है कनेक्ट होने में, वेट करना आपने। टाटा डोकोमो के अंदर फ्रेंड्स आपने MADMAT कॉल्स GSM टाटा डोकोमो ये सभी सेटिंग OM.OM
तो ये सभी सेटिंग्स आपको इसी वीडियो के नीचे भी मिल जाएगी, वहां से कॉपी कर सकते हैं। ये टाटा डोकोमो के लिए है, तो इसको आपने यहाँ पे ये प्रॉक्सी सर्वर यूज करके नीचे ओके करना है और कनेक्ट हो जाएगा और टाटा डोकोमो के अंदर फ्री इंटरनेट आप यूज कर पाओगे। उसके बाद रिलायंस के लिए, जो रिलायंस DSM है, उसके लिए यहाँ पे आर वर्ल्ड rworld.co.in /gsm/index.wml। तो ये आपने रिलायंस के अंदर यूज करना है प्रोक्सी सर्वर और नीचे कनेक्ट कर देना है। तो ये सभी कंपनीज के जो प्रोक्सी सर्वर है मैंने आपको बता दिए, जो ज़्यादातर सिम इंडिया के अंदर यूज़ होते हैं, और नीचे ओके कर देना है और आपका यहाँ पे VPN कनेक्ट हो जाएगा सेम। बाकी की कंपनीज के सिम मेरे पास नहीं है, नहीं तो उनके भी मैं प्रूफ आपको दिखा देता, लेकिन ट्रिक वर्किंग है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।